अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अभी चेरी को हम नहला रहे हैं और आज हमने चार्ली को भी नहला दिया है। तो आज हम आपको दिखाते हैं हमारी नई गायें। तो आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो ये रही हमारी गायें, ये वाली और ये वाली। ये देखें आप, ये वाली छोटी सी प्यारी सी है और ये वाली। अभी आप लोग गैस करेंगे कितने की होगी, फिर हम बताएंगे कि आपको कितने की है। देख के ऐसा लग रहा है ना कि बाय वन गेट वन फ्री है ना, ऐसी लग रहा है ना, बाय वन गेट वन फ्री लग रहा है। इसके सर के ऊपर डायमंड का शेप बना हुआ है ना। हीरा हमें ज़िंदगी में तो मिल नहीं सका, कभी गाय की सूरत में मिल गया। क्या बात है, देखो मेरा मूड हो रहा है दोनों को साथ लेके निकलूं, लेकिन क्या करूं यार, दोनों को साथ लेके घूमने में ना थोड़ा सा खतरा है। तो एक काम करते हैं, इनमें से एक को ले जाते हैं और एक को बाद में ले जाएंगे। सही है, मैं और मेरी गाय यहाँ पर आए हैं घूमने। अब वो जो है ना ग्रीन घास को देख के बहुत खुश हो रही है, नाच रही थी अभी तो अभी रो गए। ये देखें आप ग्रीन को देख के। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था वेलकम बैक दोस्तों। वो हुआ ये था कि मुझे इन्होंने गिरा दिया था, तो इस वजह से वीडियो पूरी नहीं कर सके थे और नहीं समझ आया था। तो खैर तुमने मुझे बहुत सताया था है ना, ये वाले इस बछड़े ने मुझे गिराया था, तो अब तो दोस्ती हो गई है ना। ये असल में ना जब भी ग्रीनरी देखते हैं ना जानवर, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये तो ये इतनी एक्साइटेड हो गए थे जनाब कि इन्होंने ना भागना शुरू कर दिया था और मैं संभाल नहीं पाया इसको, क्योंकि इसकी जान तो माशाल्लाह ऐसी थी, उछल उछल के भाग रहा था। तो उसमें जो है ना मेरे हाथ से ये जो है ना निकल गए जनाब, ये हुआ था तो फिर वीडियो बना ही नहीं सके थे, वरना आपको दिखाते क्या हुआ था। तो भाई चले, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये वाली गाय ना कितने की है। सही है, ये वाली गाय जो है ना छोटी वाली, ये वाली गाय है 85 की। पहले ये आती थी 40 तक की, अब 85 की आई है। और ये नॉर्दर्न बाईपास वाली मंडी से नहीं ली है। और ये वाली देखें, ये वाली है कितने की हो तुम यार, है ये है तकरीबन 125 की। तो उस हिसाब से 125 के हिसाब से ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी है, हट्टी कट्टी है और बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है, क्योंकि इसकी एक्टिवनेस का मुझे अंदाज़ा हो गया जिस तरह से इसे मुझे घसीटा था, बहुत शरारती है और ये है भी प्यारी भी। दोस्ती कर लो यार, तुम लोगों ने मेरे साथ इतना शरारतें की हैं, कर लो ना, खोलूँ तुम्हें। अच्छा सॉरी ये वैसे भी जब आई थी ना मंडी में भी ये रॉकेट बनी हुई थी, इधर उधर भाग रही थी, उतरते वक्त भी सब डर रहे थे तो ये भागी नहीं थी, उस वक्त फ़ौरन से बांध दी थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो घुमाता हूँ मैं, तो मैं घुमाने निकला तो इसने मुझे घुमा दिया बल्कि घुमाना भी क्या, मैं इसको नहलाने निकला था गर्मी की वजह से। ये इनके लिए पानी रखा हुआ है, चलें इनको थोड़ा सा पानी पिला देते हैं। पानी पियोगे बच्चों? हाँ पानी पीना था, चलो शाबाश पानी पियो, पहले वो पी ले फिर आप पी लीजिएगा। सही है, जब तक आपकी शक्ल दिखा देते हैं। ये है, ये थोड़े से ना टेम नहीं है, ये मुझे भगा देते हैं अच्छा शाबाश। ये हमारी चेरी है, अब इसके पाँव में देखें, यहाँ पे लगी थी नहीं, इस वाले में लगी थी जो ज़ख्म था ना, अब ये देखें कितने हद तक भर गया ज़ख्म ना, भर गया, ये देखें बिल्कुल भर गया, मैंने ये बहुत बुरी तरह से कहा। क्यों भाई चेरी, ठीक हो गए तुम माशाल्लाह, है ना भाई, मज़ा आ रहा है नहाने में आज। जितना चेरी को रेस्ट करवाया ना, उतनी माशाल्लाह से ये हेल्दी हो गई है, मुझे खुद देख के पता चल रहा है ये ऐसी मोटी ताज़ी नहीं थी। चेरी आओ चार्ली के पास चलते हैं, ये देखें आप इसकी हेल्थ देखें माशाल्लाह, हमटी डमटी हो गई है। और जैस्पर बाहर आ गया, जैस्पर को भगाओ चेरी, जैस्पर को भगाओ, तुम काम की नहीं हो तुम, चार्ली होता ना अभी भगा देता। चार्ली भी नहाया हुआ है, चेरी भी नहाई हुई है, वो सब भागे हमारी पलटन। तो दोस्तों आज मौसम बहुत अच्छा है, तो इस मौसम में ना लगाए जाते हैं बीज, तो चलें बीज भी लगाते हैं और इन लोगों को घुमाते भी हैं। तो अभी चीकू जो है पिंजरे में, इसको थोड़ी देर पहले बंद किया है और आज मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि चीकू जो है ना मैं मोबाइल नहीं लेके आया था जब चीकू को बाहर निकाला था। तो दोस्तों हम आ गए हमारे नए वाले फार्म में और यहाँ पे हम इस जगह पे लगाने वाले हैं पौधों को। सही है, उसके लिए हमने पहले स्टिक ले लिया जिससे हम ना थोड़ा सा होल करेंगे ताकि बीज आराम से लग जाए, और इस जगह पे ही ना बेल लगाएंगे सारी, इस जगह पे दीवार के साथ ही। तो ये हमने जगह कर दी है, बना दी है एक छोटी सी ना टनल टाइप, अब इसके अंदर ना हम थोड़े थोड़े बीजों को ना छिड़क देंगे ऐसे करके ना। सही है, अब इसके ऊपर हम वो डाल देंगे
गोबर ओबर पहले हम सही से छिड़क देते हैं हर जगह, और फिर उसके ऊपर ये गोबर डाल देंगे शायद। और अब इसे कर देंगे बंद, ये देखें ये सना सना डाल देंगे मिट्टी सारी वापसी, ताकि ये बीज इसके अंदर छुप जाए और फिर पौधे निकल जाएँ। और अब इस जगह पे हमने डाल दिए हैं बीज, और इंतज़ार करते हैं बारिश का। बारिश होगी उसके बाद इंशाल्लाह निकल के आएंगे। और ये बहुत ज़्यादा घास हो रही है तो इसको बाद में कम करेंगे, पहले ये खा लें। चलो तुम लोग खाओ और इसको ख़त्म करो जल्दी जल्दी करके। और आज हवा से ना इसके बीज भी उड़ उड़ के यहाँ पे आके गिर रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे भी हर जगह पे गिर रहे हैं। तो अब बारिश होगी, हवा से पहले बीज गिरेगा, बारिश होगी और फिर यहाँ पे भी सारे दरख्त के निकल के आएंगे। लेकिन इसको हम निकलने नहीं देंगे हम, क्योंकि दूसरे पौधे निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों हमारा जावा मुर्गा जो है ना उसको भी बाहर निकाल दिया, ये लड़ने के लिए तैयार रहते, उसको भगा दूंगा, लड़ाई नहीं सही है। जावा मुर्गा आप देखें माशाल्लाह बिल्कुल बाहर आ गया, और टर्की से भी ज़्यादा बड़ा है। जाओ उधर जाओ टर्की के पास, फिर मैं बताता हूँ। तो टर्की से ज़्यादा बड़ा साइज है इसका माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। लड़ाई नहीं करना बस, सही है ना बच्चे, मैं खड़ा हूँ यहीं पर ही। इसको बंद कर दिया है और वो वहाँ पर है, और मेरा साथ रुकवाने के लिए चेरी देने आ रही थी, चेरी को भी मारा इन लोगों ने पकड़ के। चेरी रुकवाने आ रही थी, मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन चेरी इसलिए अटेंशन हुई हुई है, चेरी रुकवा रही थी फड्डा। चेरी बहुत अच्छा काम किया तुमने, तुमने आज मेरा नाम रोशन कर दिया, तुम लड़ाई रुकवा रही थी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। शाबाश, जीते रहो बेटा। हमारे मोरों को देखें कैसे मज़े से बैठे हैं ऊपर, मज़ा आ रहा तुम लोगों को दोनों, चलो प्यारे लग रहे हैं। ये सबसे अच्छी बच्ची है आजकल, इसने ना बहुत अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दिए हैं, जैसे कि ना लड़ाई भी रुकवा रही है, साथ दे रही होती है, और अब ये सीख गई है। अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद ना ये मुर्गियों का और ख्याल भी रख लेगी, खाना वाना भी दे दिया करेगी, है ना भाई जसपर, ऐसे ही होगा ना। ये लंबी हो गई, सॉरी। चेरी कहिए बाहर लेके चलो, चेरी अभी नहीं बाद में बाहर चलना, अभी छोड़ दो, है भाई जसपर, सही बात है ना, बाद में बाहर। हमारे कछुए कहाँ गए यार, कछुए नज़र नहीं आ रहे हैं ना, कछुए पता नहीं कहाँ छुपे हुए, निकल के आएंगे कहीं, उनको सर्दी लग रही होगी ना, ऐसा लग रहा है ना भाई जसपर। सब्सक्राइब।